हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो उसके लिए मैंने लिया है एक टोरी आटा, आधी कौली चीनी और आधी कौली घी। तो अब सबसे पहले हम चीनी को मेल्ट करेंगे पानी में, चाशनी बना देगी इसकी। तो मैंने एक कटोरी पानी लिया और इसमें आधी कटोरी चीनी ऐड कर दी है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर मेल्ट होने दूँगी। मेरी चीनी इसमें मेल्ट हो गई है तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लूँगी कढ़ाई, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी, जो मैंने हाफ कटोरी घी लिया था। अब हम घी को भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक कटोरी आटा जो मैंने लिया था। अब हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स करेंगे घी में, हम इसको अच्छे से पकाते रहेंगे 5-10 मिनट के लिए। इसको ऐसे ऐसे अच्छे से पकाते रहना है और इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये मेरा हाफ पक गया है और अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको ऐसे हिलाते रहूँगी, पकाते रहूँगी साथ में। मेरी कढ़ाई, मेरा आटा पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाशनी, जो मैंने चाशनी बनाई थी। साथ में मैं चाशनी ऐड करूँगी और इसको ऐसे हिलाते रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना निकले और नीचे ना लगे। इसको ऐसे हिलाते रहना है। इसमें चाशनी ऐड कर दिया। अब मैं इसको और 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाते रहूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें घी ऐड करूँगी 1 स्पून, ताकि ये नीचे ना लगे। और इसको ऐसे मेरा मेरा प्रसाद बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हो प्रसाद में घी छोड़ना शुरू हो गया है और ये बन गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।